नमस्कार, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देखने के बाद आपके ध्यान में आ गया होगा फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर एंड फास्ट वेट गेनिंग लड्डू रेसिपी फॉर किड्स से रिलेटेड होने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में। बड़े बुजुर्ग कहीं ना कहीं सारी एहतियात बरत रहे हैं ताकि इस वायरस के संक्रमण के चपेट में आने से वो खुद को बचा सके, अपने परिवार में जो भी सदस्य है उन्हें बचा सके। बट जब बच्चों की बात आ जाती है फ्रेंड्स, बच्चे जो है वो ना ही गर्म पानी पीते हैं, ना ही काढ़ा पीने का उनका मन करता है। इसके अलावा जो भी होम रेमेडीज़ होती है, लहसुन अदरक इन सारी चीज़ों को भी बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत ही बड़ी दुविधा में हम पड़ जाते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी तेज़ी से बढ़े। साथ ही साथ कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे के वेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में होते हैं कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आपका बच्चा इन लड्डुओं को ज़रूर खाएगा। बच्चे की इम्यूनिटी को तेज़ी से बढ़ाने में ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, बच्चों को संपूर्ण पोषण देने के लिए, इसके अलावा किसी भी प्रकार के वायरल संक्रमण से बच्चों को दूर रखने में ये जो इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन बच्चों का वज़न कम होता है, जो बच्चे अंडरवेट है, ऐसे बच्चों में वज़न को तेज़ी से बढ़ाने में इन लड्डुओं का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इन लड्डुओं को कैसे बनाना है, बच्चों को इसे कैसे देना है, कब देना है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए ये जो इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हम बना रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी काजू की। तो इस कटोरी के हिसाब से मैंने आधा कटोरी काजू ले लिया है। काजू जो है शरीर में एनर्जी को बनाए रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है। ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है ये, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत इसमें पाया जाता है। त्वचा को ये चमकदार बनाता है। काजू से जो है याददाश्त तेज होती है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। बाकी नट्स की तुलना में काजू में जो है फैट्स की मात्रा कम पाई जाती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके नियमित सेवन से बच्चों के बाल स्वस्थ रहते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं। बच्चे के बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चों की स्मरण शक्ति को ये तेजी से बढ़ाता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, वो है बादाम। बादाम में प्रोटीन, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इम्यूनिटी को ये तेज़ी से बढ़ाता है। त्वचा के लिए भी बादाम बहुत ही फायदेमंद होता है। बादाम में मौजूद पोषक तत्व याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, वो है खजूर। खजूर भी जो है एक बेहतरीन सोर्स है फॉस्फरस का। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है खजूर। यहाँ पर मैंने 4 से 5 खजूर को इस तरह से तोड़कर ले लिया है। तो फ्रेंड्स, बच्चों की इम्यूनिटी को तेज़ी से बढ़ाने में खजूर बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चों की हड्डियों को ये मजबूत बनाता है। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, वो है पिस्ता। पिस्ता में B6 होता है, प्रोटीन इसमें पाया जाता है। खून और हीमोग्लोबिन को ये पिस्ता बढ़ाता है। पिस्ता आँखों के लिए, दिल के लिए, बालों के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में पिस्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, वो है किशमिश। तो यहाँ पर करीब आधा छोटी कटोरी मैंने किशमिश ले लिए है। किशमिश खिलाने से बच्चों के शरीर को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जो उनके विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। किशमिश में फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ही मददगार होते हैं। बच्चों को किशमिश खिलाने से मस्तिष्क को पोषण मिलता है और उनकी याददाश्त भी मजबूत बनती है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, वो है मखाने। इसे लोटस सीड्स भी कहते हैं। मखाने में कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही पाया जाता है। बच्चों के हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में ये जो मखाना है बहुत ही फायदेमंद होता है। ये जो मखाना है बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्दी स्नैक्स होता है। तो करीब एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पर मखाना ले लिया है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, वो है घी। बच्चों में अक्सर देखा जाता है सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या होती है, तो ऐसे में देसी घी का प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है देसी घी। तो करीब 2 to 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर ये हल्दी होता है। वायरल संक्रमण से दूर रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है। इम्यूनिटी को ये हल्दी तेज़ी से बढ़ाता है। तो हमें आधा टीस्पून यहाँ पर हल्दी ले लेनी है। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 इलायची को इस तरह से छील कर उसके दाने ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप चाहो तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी गर्म है, तो मैं यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप 2 साल के ऊपर के बच्चे को इस लड्डू को बना रहे हैं तो आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इन इम्यूनिटी बूस्टर लड्डुओं को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से एक पैन को रख देते हैं गैस पर, और गैस की फ्लेम हम ऑन कर देंगे। आपको धीमी आँच पर ही इस प्रोसेस को करना है, आँच को बढ़ाना नहीं है, अदरवाइज जो भी सारी चीज़ें हैं वो जल जाएगी, उनका स्वाद भी बिगड़ जाएगा और उनके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाए। करीब 2 से 3 मिनट तक आपको इसी तरह से इन्हें ड्राई रोस्ट करना है।
तो फ्रेंड्स जैसा मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ उसी तरह से आपको इसे बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर मैंने घी का वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इन्हें बस पैन में डालकर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स आफ्टर 2 to 3 मिनट्स जो है ये जो सारे मेवे हैं ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इन्हें इस तरह से एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें मखानों को भी रोस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम फिर से ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर घी और घी में हम इन मखानों को रोस्ट करेंगे। मखाने जो है फ्रेंड्स वो नरम होते हैं तो अगर आप घी में इन्हें रोस्ट करते हैं तो ये थोड़े कुरकुरे बन जाते हैं और इनका स्वाद भी बढ़ जाता है और आधे से एक मिनट में ही जो है ये रोस्ट हो जाते हैं, इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस तरह से जो है आधा एक मिनट तक हम धीमी आँच पर इन मखानों को रोस्ट करेंगे। करीब आधा एक मिनट तक इन्हें रोस्ट करने के बाद ये जो मखाने हैं अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं, इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं इस प्लेट में इन मखानों को भी निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे ये जो मेवे और मखाने हैं ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें अब हमें ठंडा होने देना है। करीब 5-7 मिनट में ये जो मेवे और मखाने हैं ये पूरी तरह से ठंडे होने के बाद मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है और इसमें मैं इन मेवे और मखाने को डाल रही हूँ। ये जो रोस्टेड मेवे मखाने हैं फ्रेंड्स इन्हें आपको आधा आधा करके ही पीसना है। एकदम से अगर आप पीसने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन्हें बारीक करने में, तो इस तरह से आप आधा आधा करके ही इन्हें मिक्सर में ग्राइंड करें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो करीब 4 से 5 मिनट तक ग्राइंड करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो है थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है तो मैं इसे फिर से एक बार मिक्सर में चला लूँगी ताकि ये एक अच्छा इसका फाइन पाउडर मुझे मिले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स फिर से मैंने 2-3 मिनट के लिए इसे मिक्सर में चलाया तो इसका एक फ़ाइन पाउडर मुझे मिल गया। इसी तरह से आपको इसका पाउडर बनाना है क्योंकि बच्चे को हम ये जब देंगे तो उनके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्हें चबाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एकदम बारीक आपको इसे पीसना है। तो इसी तरह से बाकी भी जो मेवे और मखाने हैं इसे भी मैं इसी तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। सेकेंड टाइम जब हम इन मेवा और मखानों को ग्राइंड करेंगे तो इसी तरह से हमें इसका भी बारीक पाउडर बना लेना है। तो अब हम क्या करेंगे ये जो पाउडर है इसे फिर से एक बार हम इस मिक्सर जार में डाल देंगे और अब हमें इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं इसमें ना ही गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ ना ही शहद का। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसी में आप छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा डाल दें या फिर गुड़ को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं या फिर आप हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर 2 से 3 टीस्पून देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी ये हल्दी पाउडर और ये जो मैंने इलायची के दाने रखे थे वो भी इसमें डाल दूंगी और एक बार इसे मैं फिर से ग्राइंड कर लूँगी। तो इन सारी चीज़ों को आधे से एक मिनट तक अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा जो है लड्डू का मिश्रण बनकर तैयार है। इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो भी सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को ये तेज़ी से बढ़ाती है, इसके अलावा किसी भी प्रकार के वायरल संक्रमण से दूर रखने में ये सारी ही चीज़ें बहुत ही फायदेमंद होती है। तो बिना मावा के बिना गुड़ के बिना चाशनी के ये जो हेल्दी एंड टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा गड़ी शक्कर और इलायची के जो थोड़े से दाने मैंने रखे थे वो डालकर इन्हें पीस लूँगी। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट गड़ी शक्कर जो है फ्रेंड्स इसकी तासीर ठंडी होती है, अभी समर का मौसम चल रहा है तो गड़ी शक्कर जो है लू से बचाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हाथों पैरों में जो जलन होती है उसमें भी ये राहत दिलाती है। लू के कारण जो पेशाब में जलन होती है उसमें भी राहत दिलाने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा इलायची जो है वो स्वाद बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसकी भी तासीर ठंडी होती है। तो इस तरह से आपको खलबत्ती की मदद से इसका बारीक पाउडर बना लेना है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है मैं आगे बताती हूँ। तो उससे पहले तो हम क्या करेंगे अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लेंगे और छोटे छोटे इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं रखना है फ्रेंड्स, छोटे छोटे ही लड्डू रखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से जो है ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जिस तरह का साइज़ का लड्डू मैं बना रही हूँ इसी साइज़ के लड्डू आपको भी बनाने हैं। तो मैं आपको 3 से 4 लड्डू इस तरह से बनाकर यहाँ पर दिखा देती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये, मुंह में घुल जाने वाले ऐसे लड्डू बनते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं ये लड्डू। तो इसी तरह से जो बाकी का मिश्रण बचा है फ्रेंड्स इन लड्डुओं का उसके भी मैं लड्डू एक साथ बनाकर आपको दिखाती हूँ।
तो सारे ही लड्डुओं को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो कड़ी शक्कर और इलायची का पाउडर बनाया था उसे हमें इस पर इस तरह से थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, और इसमें हम शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गड़ी शक्कर जो है वो हेल्दी होती है स्वास्थ्य के लिए, तो इस तरह से हम इसे थोड़ा सा कोट कर लेंगे। इसके जो सारे साइड्स हैं, चारों साइड से हमें इसे इस गड़ी शक्कर और इलायची के पाउडर से हमें इसे कोट कर लेना है। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स ये लड्डू, आप इसे ज़रूर बनाएं। आपके बच्चों को ये जो इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है बहुत ही पसंद आएंगे, और इसे खाने से जो है आपके बच्चे का वजन तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा बच्चे यदि इन लड्डू का सेवन करते हैं, इन लड्डू को खाते हैं, तो किसी भी खतरनाक वायरस के संक्रमण से बचाने में और फ्लू से बचाने में ये जो लड्डू है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स इन लड्डुओं को बच्चों को कब और कैसे देना है। तो बच्चे जिनकी उम्र 8 मंथ से ऊपर है, 8 मंथ्स के ऊपर के बच्चों को आप इन लड्डू को दे सकते हैं। आधा लड्डू आपको एक ही बार देना है, सुबह में या फिर आप शाम में दे सकते हैं। 1 साल के ऊपर के बच्चों को आप एक लड्डू दे सकते हैं दिन में एक बार, और 2 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें 2 लड्डू आप दे सकते हैं दिन में 2 बार। 2-3 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, इन लड्डुओं को देने के बाद आप उन्हें गुनगुना दूध दे दें, 1 आधा ग्लास अगर दूध पीता है बच्चा तो उसे इन लड्डुओं के बाद आप दूध पीने के लिए दें, तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इन लड्डुओं को खाने के बाद यदि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा आपको लगता है, तो 4-5 दिनों के लिए आप बच्चे को इन लड्डुओं को ना खिलाएं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है फ्रेंड्स, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, बट अभी ये गर्मियों का मौसम चल रहा है तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इन लड्डुओं को बच्चे को 4-5 दिन के लिए देना बंद कर दें, या फिर कम मात्रा में दें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरीज होती है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और इसी तरह की हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड रेसिपीज़ के लिए हेल्दी लाइफ कोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।